अभी आपने जो ये पिक्चर्स देखी हैं, ये विशाखापट्टनम के आरके बीच के हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है आरके बीच। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ विशाखापट्टनम के आरके बीच पर। तो हम लोगों को थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलना था 6 o'clock, पर हमें थोड़ा सा लेट हो गया तो हम लोग 6:30 पर निकले हैं। एक्चुअल में हम लोग सुबह सनराइज़ देखने के लिए जाने वाले थे, बट हम लोग लेट हो चुके हैं। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे जब तक सनराइज़ हो चुका होगा। मेरे घर से अराउंड 10 to 12 किलोमीटर है आरके बीच, तो हम लोगों को 15 to 20 मिनट लगता है वहाँ पहुँचने में। तो अभी आप आगे की जो पिक्चर्स देखेंगे, जो वीडियो देखेंगे, उसमें मैं आपको सनराइज़ होते हुए दिखाऊंगी। तो देखिए 5 मिनट में अभी हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, बट ऑलरेडी सनराइज़ हो चुका है जो हमने मिस कर दिया है। तो अभी आपने जो पिक्चर्स देखी हैं, ये मेरे व्लॉग वीडियो की हैं। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर और भी व्लॉग्स बनाए हैं, और अगर वो आप देखना चाहते हैं, जिसमें कि विशाखापट्टनम के व्लॉग भी हैं और देहरादून का, केदारनाथ का, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ऊपर आई बटन में भी आप चेक कर सकते हैं, और वीडियो के एंड में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आरके बीच रोड पर आ चुके हैं और सनराइज़ भी हो चुका है। ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये आरके बीच रोड का है, और साइड में सनराइज़ के नीचे आपको बीच भी दिखाई देगा। तो अभी वीडियो में जो आप व्यू देख रहे हैं, साइड में शूटिंग के इक्विपमेंट रखे हैं। थोड़ी देर में ही यहाँ पर शूटिंग होने वाली है। आरके बीच रोड पर काफ़ी शूटिंग वगैरह होती रहती है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ये शूटिंग भी दिखाऊंगी। तो अभी हम आ चुके हैं आरके बीच रोड पर, और इस रेस्टोरेंट में हमने किया था ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे बीच पर। अगर आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बिल्कुल पूरा साउथ इंडियन फूड यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा मॉर्निंग में। ब्रेकफास्ट का वीडियो मैं यहाँ पर शूट नहीं कर पाई थी, तो सॉरी फॉर दैट, बट उसकी पिक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जहाँ पर मैं डोसा के साथ आपको पिक्चर्स लेते हुए दिखाई दूँगी। तो यहाँ से सामने से रोड क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे बीच पर, और उसी का व्यू मैं अब आपको आगे दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर अगर आप बीच पर नहाने के लिए आते हैं तो नहाने के बाद आपको अगर चेंज करना हो, चेंज करने के बाद अगर आपको बाथिंग करना हो, तो उसके लिए आपको बाथरूम यहाँ पर अवेलेबल है। Thank you.
अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, हमने शंख भी ख़रीद लिए हैं और बच्चों ने काफ़ी देर तक सैंड में खेल भी लिया है। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 9। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी कराई जाती है, अगर बच्चे या फिर बड़े कोई भी हॉर्स राइडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अराउंड 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं एक राइड कराने का। तो यहाँ पर अभी हमारे बच्चे भी हॉर्स राइडिंग करेंगे। चलो, चलो, चलो। Gracias. तो अभी हॉर्स राइडिंग भी हो चुकी है और हमने बीच पर नहा भी लिया है और अभी बज चुके हैं दिन के 12 और अब हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में यहाँ से लंच करने के लिए। लंच के लिए हम लोग जाएंगे होटल जयपुर पैलेस में और उसका एड्रेस भी मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी, अगर आप वहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक स्पेशल जगह लेके जाऊँगी जहाँ की फ्रूट चाट काफ़ी फेमस है, अगर वो फ्रूट चाट आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, उसका एड्रेस भी आपको स्क्रीन पर ही मिल जाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं होटल जयपुर पैलेस, जो आप व्यू देख रहे हैं उसके होटल का फ्रंट का व्यू है और यहाँ पर होटल का नाम भी लिखा है। तो उसके बाद मैं आपको अब अंदर लेके चलती हूँ, बट मैं यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लंच किया था उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। लंच के बाद का मैंने यहाँ पर अंदर का व्यू शूट किया है होटल का।
होटल के अंदर एंट्रेंस गेट पर ही एक मंदिर लगा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने उसका भी वीडियो शूट कर लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक स्पेशल जगह लेके जाऊंगी, ये है श्री गायत्री एंटरप्राइजेस। यहाँ की ये फ्रूट की एक शॉप है और यहाँ पर फ्रूट चाट भी मिलती है। तो अगर आप यहाँ की फ्रूट चाट ट्राई करना चाहें, मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, तो आप यहाँ की फ्रूट चाट ट्राई कर सकते हैं। उसकी वीडियो या उसका व्यू भी मैं अभी आपके साथ दिखाऊँगी कि फ्रूट चाट किस टाइप से बनाकर देते हैं यहाँ पर। तो ये आ गई है हमारी फ्रूट चाट। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली घर के लिए निकलेंगे। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।